टिकटॉक दोस्तों, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंडिया में इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ है जैसे कि पॉपुलर हुई थी शोले मूवी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है जिसका नाम पहले म्यूजिकली था, आजकल बच्चे बच्चे के स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशन है। लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना यूज कर रहे हैं जितना कि शायद व्हाट्सएप को भी नहीं दिन भर में करते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूँ टिकटॉक के फायदों के बारे में। टिकटॉक आपको क्या क्या फायदा पहुंचा रहा है आपकी सेहत पे, आपके टाइम पे, और इनफैक्ट क्यों टिकटॉक इतना पॉपुलर हुआ है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। व्यंग हीन भाव से हड़लग होता हूं तो बताता हूं टिकटॉक कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों, क्यों टिकटॉक आपको बंद कर देना चाहिए आज ही। आइए दोस्तों, छोटी सी वीडियो में टिकटॉक के बारे में अच्छा खासा खुलासा करने जा रहा हूं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आज जब अगली बार टिकटॉक चलाएंगे तो आपको जरूर लगेगा कि हां, प्रवीण सही कह रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के फौरन लुफ्त उठाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार करता हूँ आप सभी का स्वागत हिंदुस्तानी हेल्पर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके मुझे संकेत मिलेगा अगर आपने टिकटॉक डाउनलोड किया है। टिकटॉक आपके मोबाइल में है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको कि टिकटॉक एप्लीकेशन कब आया, क्यों आया, कैसे आया। 2016 करीब दोस्तों टिकटॉक का एप्लीकेशन आया, बाहर खूब चला, फिर इंडिया में लॉन्च हुआ दोस्तों म्यूजिकली नाम से। इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ मार्केटिंग के दम पे, इन्फ्लुएंसर्स के दम पे। इन्फ्लुएंसर्स को यहां लाके पैसा दिया गया, प्रमोट करवाया गया, और फिर जब ये प्रमोट हो गया काफी सारे लोग यहां आने लगे, पॉपुलर होने लगे। अब दोस्तों टिकटॉक और यूट्यूब में अंतर क्या है पहले तो ये बताता हूं। यूट्यूब पे कोई भी आप वीडियो पा सकते हैं लेकिन टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस मिलती है। अब शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक पे क्यों इतनी पॉपुलर होने लगी, क्यों इतना फैलने लगा टिकटॉक से, फिर लाइक एप्लीकेशन और फिर आने लगे हैपस्टर वगैरह। दोस्तों टिकटॉक ने पूरा खेल लगाया एक इंसान को कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं। टिकटॉक एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो वीडियोस ऐसे आएंगी और फिर आपको क्या करना है, ऐसे स्वाइप करना है, नथिंग एल्स। बोर हुए स्वाइप कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, स्वाइप करते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते ही रहिए। वो खत्म ही नहीं होगा। YouTube पे क्या है कि आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी वीडियो देखें, रिकमेंडेड में देखना पड़ता है ये वीडियोस देखें कि ना देखें। लेकिन TikTok आपको वही दिखाएगा जो वो चाहता है, आपके सर्च हिस्ट्री के हिसाब से दोस्तों उसके एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है, और बस वो दिखाता जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स। आप सोचेंगे बोर हो जाए बंद कर दें, लेकिन बंद करने से पहले सोचेंगे कि एक बार और स्लाइड करके देखें, और स्लाइड करते रहेंगे। अब आपको जो पसंद आ गया उसके बारे में देखना है तो क्या करिए, ऐसे उसके प्रोफाइल के लिए स्वाइप कर दीजिए, उसमें भी स्वाइप है दोस्तों, और फिर उसके और वीडियोस देखनी है तो फिर स्वाइप करते जाइए। स्वाइप का ये फंडा है जो कि बहुत ही आसान लगता है ह्यूमन इंटरफेस में, और स्वाइप ही वो वजह है जिसकी वजह से काफी ये सिंपल बना और पॉपुलर बनता गया, क्योंकि इसमें लोगों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। यूट्यूब में तो सोचना पड़ता है, इसमें बस देखना पड़ता है। टिकटॉक दिखाता जाएगा, आप देखते रहिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इतना देखना उतना देखिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि टिकटॉक पे आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, और टिकटॉक आप कितना घंटा स्पेंड करते हैं, कितना टाइम आप देते हैं टिकटॉक पे। दोस्तों मैंने आपको बताया क्यों टिकटॉक इतना पॉपुलर हुआ, अब बताता हूँ टिकटॉक क्या क्या मतलब है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। दोस्तों सबसे पहले तो टिकटॉक से आपका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट इन सेंस, अगर आपका कुछ और मोटिव है जिंदगी में, आपको कुछ और बनना है, तब आपका वो टाइम वेस्ट होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए पढ़ाई जरूरी है तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। टिकटॉक ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पस 5-10 मिनट चलाइए, ठीक है, खुद को एंटरटेन कीजिए, मजा कीजिए। लेकिन दोस्तों टिकटॉक एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जो मैं देख रहा हूं आजकल समाज में, कि वो बस घंटों घंटों तक लोग उसको देखते ही रहते हैं बैठ के ईयरफोन लगा के। बढ़िया दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक से अच्छा आप यूट्यूब देख लीजिए। यूट्यूब पे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी अख़बार खोल के देखिए, नहीं, लेकिन दोस्तों जब भी आप यूट्यूब देखते हैं तो उसमें ज्ञान की चीजें मिलती हैं। 10 वीडियो देखते हैं तो उसमें से 5-6 वीडियो एंटरटेनमेंट वाले देखते हैं हंसी मजाक के, लेकिन कुछ ज्ञान की वीडियोज भी आपको देखने को मिलती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, न्यूज हो, मीडिया हो, टच हो, दोस्तों कुछ भी हो, और कोई चीज कैसे बनती है सीखते, ये सब यूट्यूब पे आपको बहुत मिलता है और वो भी आप देखते जरूर हैं, तो उसमें आपको कुछ ज्ञान मिलता है। बट टिकटॉक पे डायलॉग और गानों के अलावा, एक्टिंग के अलावा कुछ खास है नहीं, तो वो भी एक तरह से अच्छी बात है। इंडिया के नाम हो रहा है, काफी सारे पॉपुलर एक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। लेकिन इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना उस चीज में जहां पर ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोगों का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, वो गलत है। ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा मेरी बात को, टिकटॉक जब भी आप चलाएं, ये सारी मेरी फीलिंग से जो मैंने शेयर किया, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, देखना है कि नहीं देखना है ये सब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, फोन आपका है, एप्लीकेशन आपका है। लेकिन दोस्तों मैं बस ये बातें आपको बताना चाहता था कि क्यों टिकटॉक इतना पॉपुलर हुआ और क्या इससे लोगों के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करके इस वीडियो को आगे बढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए, हमें निरंतर प्यार देने के लिए, कमेंट करके अपनी भावनाएं बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, इजाजत दीजिए।